वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओएआरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल एमसीक्यू, जो आपका 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले, कपिलवस्तु फेस्टिवल 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 जनवरी 2023 टू 1 फरवरी 2023 एट कपिलवस्तु लोकेटेड इन सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कपिलवस्तु फेस्टिवल के बारे में है कि इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया, सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में। फिर लखनऊ कौशल महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 4 to 5 मार्च 2023 एट कोलविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ। ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। फिर है, इन फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ सब्सिडी ऑफ अप टू व्हाट परसेंट ऑन सेटिंग अप सोलर एनर्जी पावर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो जो सोलर एनर्जी फूड पावर प्रोसेसिंग यूनिट है, इस पर कितने परसेंट सब्सिडी अनाउंस किया गया है, तो 50%। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 50% सब्सिडी टू इन्वेस्टर फॉर सेटिंग अप अ सोलर प्लांट्स अप टू 75 kVA। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो रोल्ड आउट उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2023 अंडर विच सेवरल कंसेशंस एंड सब्सिडीज विल बी प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स इन वेरियस सेक्टर। फिर अगला देखते हैं। अगला है, इन द ईयर 2023 बिटवीन 17 to 19 फरवरी कालिंजर महोत्सव के बारे में पूछा गया है, ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कालिंजर महोत्सव बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर फोर्ट है वहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, कालिंजर फोर्ट कहाँ है, बांदा में, और कालिंजर फेस्टिवल भी बांदा में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इन फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड 1st VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन लखनऊ। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट झांसी डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप अमंग द ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन झांसी इन्वेस्टर सबमिट्स 2023। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है, डी होगा, नाइदर वन और टू। फिर द पेंशन ऑफ फॉर्मर MLAs ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹10,000 टू हाउ मच। तो उत्तर प्रदेश MLA का जो पेंशन है वो बढ़ा के 10,000 से 25,000 कर दिया गया है, 25,000। तो द उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज ऑल्सो पास्ड इन असेंबली टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ फॉर्मर MLAs फ्रॉम ₹10,000 टू ₹25,000। रीजनल फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर एक्सपो 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी 2023, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे इसको मनाया गया। फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एशियाज लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स फैक्ट्री ऑफ बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड वॉज इनाग्रेटेड वर्चुअली बाई उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑन 5th मार्च, ठीक है। तो ये हरदोई में इसको लॉन्च किया गया, एशिया का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री ऑफ बर्जर पेंट्स, तो हरदोई में। फिर आगे है, हु इनॉग्रेटेड द 3-day आयुर्वेदा फेस्टिवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। आयुर्वेदा फेस्टिवल वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्जीबिशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, और जगदीप धनखड़ ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इनॉग्रेट किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 8th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा फेयर ऑर्गेनाइज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश 17 to 18 मार्च 2023, सही है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह टोटल 8 सोलर पार्क हैव बीन अप्रूव्ड इन बुंदेलखंड रीजन, बिल्कुल सही। एंड उत्तर प्रदेश फर्स्ट एनिमल इलेक्ट्रिक क्रीमिटोरियम हैज़ बीन सेटअप इन वाराणसी, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर है, इन मार्च 2023 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड टू प्रपोजल ऑफ गिविंग चाइल्ड केयर लीव टू सिंगल पेरेंट ऑफिसर हाउ मेनी ईयर। तो 2 साल के लिए जो सिंगल पेरेंट ऑफिसर्स हैं उनको चाइल्ड केयर के लिए 2 साल की छुट्टी। फिर आगे बढ़ते हैं,
वेयर ऑन 22 मार्च 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट रैली ऑर्गेनाइज अंडर मिशन शक्ति इन द स्टेट। तो बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान वॉज स्टार्टेड बाई उत्तर प्रदेश पुलिस इन द ईयर 2020 इन डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान भी बलरामपुर से शुरू हुआ और चीफ मिनिस्टर ने वीमेन एम्पावरमेंट रैली भी ऑर्गेनाइज की वहीं बलरामपुर से। हु अमंग द फॉलोइंग फ्लैग ऑफ द माइक्रो मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटीज प्रोवाइडेड बाय हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड अंडर द SCR फंड टू उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन 27 मार्च 2023। तो योगी आदित्यनाथ ने फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इसमें देखिए इन मार्च 2023 अरुणी मिश्रा चेयरमैन ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ यंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद हैज क्रिएटेड एन ऑनलाइन गेम ऐप कॉल्ड शास्त्रार्थ टू लर्न इंग्लिश। ये बिल्कुल सही है। फिर इन मार्च 2023 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज असाइंड अ टारगेट ऑफ गेटिंग 44,000 प्राइमरी स्कूल इन स्टेट एज प्रोफिशियंट स्कूल बाई दिसंबर 2023 टू द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ बेसिक एजुकेशन इन द स्टेट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री कंपल्सरीली एक्वायर्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाई द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाई 2026-27। फिर आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2023 5 बस स्टैंड्स इन 5 सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ एयरपोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नॉट इंक्लूडेड इन इट, ये बताना है। तो देखिए कानपुर नहीं है, बाकी 5 बस स्टेशन है जिनको कन्वर्ट किया जाएगा एज अ लाइन ऑन द लाइन ऑफ एयरपोर्ट। तो उसमें लखनऊ है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। दीज 5 बस स्टैंड हैव बीन सेलेक्टेड टू डेवलप ऑन द लाइन ऑफ एयरपोर्ट। इसमें है गाजियाबाद ओल्ड बस स्टेशन, कौसाम्बी बस स्टेशन, आगरा फोर्ट बस स्टेशन, लखनऊ का विभूतिखंड बस स्टेशन और प्रयागराज का सिविल लाइन बस स्टेशन। फिर है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है। तो इन द कैबिनेट मीटिंग डॉक्यूमेंट वाज अप्रूव्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख फ्री टैबलेट्स एंड 25 लाख स्मार्टफोन अंडर द स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 ईयर्स। तो सही है। एंड 15,000 स्पोर्ट पर्सन रिसीविंग ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विल बी इंक्लूडेड इन मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। तो देखिए गलत है, 15,000 नहीं है, 11,000 है यहाँ पे बस, और बाकी सही है पहला स्टेटमेंट। फिर ऑन 28 मार्च 2023 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेमोरियल एट भारत सेवा आश्रम संघ कॉम्प्लेक्स इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट दिस मेमोरियल साइट। तो यहाँ पे सचिंद्रानंद सान्याल का, ठीक है। फिर है When did the Indian Railways start the Guru Kripa Yatra which its special Bharat Gaurav tourist train from Lucknow? तो ये 5th अप्रैल 2023 से। फिर आपको बताना है incorrect statement with respect to proposed mega textile park of Hardoi। तो on March 2023 the central government has announced location for setting up 7 PM मतलब प्रधानमंत्री मित्र पार्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सही है, 7 PM पार्क्स के बारे में बताया गया। फिर इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 1,000 acres एट अ कॉस्ट ऑफ 1,200 crores, बिल्कुल सही है। एंड द नेम ऑफ पार्क विल बी केप्ट एज संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अपेरल पार्क लिमिटेड, बिल्कुल सही। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू ₹500 crore फॉर दिस पार्क, सही है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो कोई नहीं गलत है। फिर वेयर डिड द फर्स्ट रीजनल फिल्म सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश टू बी ओपन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो पहली रीजनल फिल्म सिटी ओपन की जाएगी गोरखपुर में। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अलॉन्ग विद द फिल्म सिटी इन नोएडा अ रीजनल फिल्म सिटी विल बी सेटअप इन गोरखपुर इन द पूर्वांचल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग टू द विधान भवन ऑफ उत्तर प्रदेश।
On March 2023, State Assembly Speaker Satish Mahana shared information that on the lines of new Parliament House, that is Central Vista on the country of the country, new Vidhan Sabha would soon be constructed in Uttar Pradesh. So, sahi hai. And the construction work of this new Vidhan Sabha will be completed before year 2027. Ye bhi sahi hai. And initially, 50 crore has been kept in the budget for this. So, sahi hai. Incorrect koi nahi hai. ठीक है, तो विधानसभा के बारे में देख लीजिए उत्तर प्रदेश की. तो इट इज़ अबाउट 100 ईयर ओल्ड एंड फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन 15 दिसंबर 1992 बाय द गवर्नर सर स्पेंसर हार्कोर्ट बटलर. ठीक है, एंड एक्सीलेंस एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड स्टाइल ऑफ यूरोपियन एंड अवधि कंस्ट्रक्शन. फिर आपको जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट बताना है. तो ऑन 1 मार्च 2023 चीफ मिनिस्टर हैज़ अचीव्ड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बिल्कुल सही है. एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू कंप्लीट 5 ईयर 347 डेज इन ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर. तो ये तो गलत है. ठीक है, क्योंकि बिफोर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर संपूर्णानंद वॉज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 5 ईयर 345 डेज कंटिन्यूसली इन द कांग्रेस रूल. तो पहला स्टेटमेंट सही है. इन मार्च 2023 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ गिवन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू द गोंड कास्ट ऑफ 4 more districts ऑफ द स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है, तो इसमें देखिए शामली नहीं है, बाकी भदोही और संत कबीर नगर, कुशीनगर इसमें है. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इशू शेड्यूल ट्राइब स्टेटस सर्टिफिकेट टू गोंड कास्ट इन द 4 more districts ऑफ द स्टेट, नेमली संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एंड भदोही. ठीक है, फिर जो है वो गोंड यानी धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजगोंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द उत्तर प्रदेश. फिर अगला MCQ है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंडलाज ऑफ उत्तर प्रदेश 5 learning centers आर बींग सेटअप टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू विलेजर्स एट विलेज लेवल. ठीक है, तो ये है बरेली डिवीज़न में, बरेली डिवीज़न में याद रखिएगा. फिर उसके बाद अगला सवाल है, हु लॉन्च द उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन 23 मार्च 2023. तो यह है JPS राठौर ने. यूपी इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज चूजन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू लॉन्च गुणवत्ता संकल्प, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. JPS राठौर ने इसका इनॉग्रेशन किया, लॉन्च किया इसको. फिर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन यानी NUDM. तो गलत स्टेटमेंट आपको देखना है. रिसेंटली उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ गिवन परमिशन टू द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन रूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी टू स्टार्ट नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सही. एंड टू स्टार्ट दिस एन एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 31 May 2022 itself. ये भी सही है. एंड इन द फर्स्ट फेज दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 7 municipal कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड आफ्टर दैट ऑल द बॉडीज विल बी कनेक्टेड सिक्वेंसली. तो बिल्कुल सही है तीनों, तो कोई नहीं गलत है इसमें. फिर है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड हाउ मेनी न्यू हाईटेक जेल्स इन स्टेट एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल दीज प्रिजन्स बी बिल्ट. तो देखिए हाईटेक जेल्स जो हैं वो 20 और कितने जिलों में, 11 में, याद रखिएगा. फिर आगे बढ़ते हैं, विच टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन मार्च 2023. तो ये मिला गया है, ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को. तो इंक्लूडिंग पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टोटल 6 टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन गिवन एश्योर्ड कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA. तो टोटल 6 हैं जिसमें पीलीभीत भी एक है. उन 6 का नाम देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पीलीभीत के अलावा है आपका काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र, और पेरियार केरला का. ठीक है, 6 जो हैं वो NTCA के कैट्स में आते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं,
In the context of 18th NCERT and historical site of Uttar Pradesh declared protection in March 2023. तो उनके regarding कौन सा statement सही है? तो according to tourism and culture minister of Uttar Pradesh Jaiveer Singh, the state government has declared 18 ancient and historical site of state protected. बिल्कुल सही. And these ancient and historical sites are located in 6 districts of Uttar Pradesh, जिसमें है झांसी, संत कबीर नगर, प्रयागराज, महोबा, फरुखाबाद और इटावा. तो ये भी सही है. एंड ऑल दीज प्लेसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बिल्कुल. फिर आगे बढ़ते हैं. अगला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ न्यू रेट्स ऑफ मनरेगा लेबरर्स बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी रुपी वेजेस विल नाउ बी प्रोवाइडेड टू मनरेगा वर्कर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ रुपीज 213. तो अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 230. पहले था 213, अब है 230. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश हैज़ क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग रोबोट. तो ये क्रिएट किया गया है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में. फिर आगे बढ़ते हैं. मिलेट्स महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रियल फ्रॉम 3rd and 4th March 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो आगरा में. ठीक है, आगरा में याद रखिएगा मिलेट्स महोत्सव. What percentage of reservation will be given to the backward classes in the recent municipal election to be held in Uttar Pradesh? Backward classes को 27% reservation दिया गया है उत्तर प्रदेश में. ठीक है, फिर on 22nd March 2023 Assembly Speaker Satish Mahana has sentenced how many policemen 1 day's imprisonment after being found guilty of breach of privilege and contempt of the House. तो 6 officers को ये दिया गया. फिर आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट 100% व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स एग्जेम्पशन विल बी गिवन ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन विच पीरियड. तो ये दिया जाएगा 14 अक्टूबर 2022 टू 13 अक्टूबर 2025. ठीक है, अगला देखते हैं. इन मार्च 2023 विच वीमेन हॉकी प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम द हॉकी स्टेडियम इन रायबरेली हैज़ बीन नेम्ड. फिर विद सी हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्लेयर इन इंडिया टू अचीव दिस फीट. तो ये हैं रानी रामपाल. रानी रामपाल के नाम पर वो रीनेम किया गया है रायबरेली की हॉकी स्टेडियम को. फिर है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. इन मार्च 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द टिकट बुकिंग एंड पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही. ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट टू फैसिलेट द ट्रैवल ऑफ बस पैसेंजर एंड द कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर लेजर शो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन जनेश्वर पार्क इन उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ. तो कौन सा गलत है? कोई नहीं गलत है, दोनों सही है. ठीक है, यूपी राही ये भी सही है और कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर स्क्रीन ये है जनेश्वर पार्क लखनऊ. फिर आज का आखिरी सवाल है कि वेयर विल द 3rd International Stadium ऑफ उत्तर प्रदेश बी बिल्ट बाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. तो ये है वाराणसी में. वाराणसी में तीसरा उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल स्टेडियम. तो दोस्तों आज का MCQ कंप्लीट हुआ यूपी का. आपका एग्ज़ाम आते आते हम पिछले 6-8 महीनों के MCQ यूपी स्पेशल के वो करा देंगे. ठीक है, आपको यूपी स्पेशल का MCQ मिल जाएगा और जनरल आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी MCQ दिया जा रहा है. तो ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू सो मच.